नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 10 मार्च के जो 10 मार्च के अभी तक शिफ्ट 3 के क्वेश्चन नहीं आए थे वो आ गए मेरे पास, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कुछ लगभग 14 क्वेश्चन हैं इसमें GA सेक्शन के, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जो नए वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूँ वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए देखते, पहला क्वेश्चन है आज का, हु इज़ द बिगेस्ट लॉ ऑफिसर, कानून अधिकारी कौन सा होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, इसको हिंदी में महान्यायवादी भी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की मतलब साहित्य भाषा क्या थी, उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिया था? तो उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था। प्राकृतिक भाषा को अर्धमग्धी भी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, हो सकता है कि आगे एक शिफ्ट में पूछा जाए। तीसरा क्वेश्चन है, सोलर बोर्ड प्रोजेक्ट केरला में किसकी कॉपरेशन के साथ शुरू हुआ है? नाबार्ड के साथ शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाया वंदना योजना स्टार्टेड बाई अरुण जेटली के द्वारा स्टार्ट हुआ है। हिस्ट्री का फुल फॉर्म पूछा है, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सेक्टर। बिम्स्टेक 2017 समिति कहाँ पे होती है? देखिए, बिम्स्टेक से दो सवाल आ गए, नेपाल काठमांडू में होता है। तो आप मतलब समिति जो है 2017 में होती है वो याद कर लीजिए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। विच स्टेट डजेंट शेयर बाउंड्री विथ मिजोरम, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अब सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर के 7 राज्य होते हैं, जो 7 सिस्टर एक साथ जुड़े हैं उनको आप याद कर लीजिए। जैसे मेघालय, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, इनकी राजधानी और इनमें जो मतलब कि अभयारण्य है वो, और मतलब कि इनकी बाउंड्री, ये याद कर लीजिए। इकरा का फुल फॉर्म पूछा है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है बैडमिंटन में? प्रकाश पादुकोण। और एटॉमिक यूनिट पूछा है H2O की, जल की। तो देखिए, 16 होगी ऑक्सीजन की और 2 होगी हाइड्रोजन की, 2 इसमें लिखा ना, 16 ऑक्सीजन की होती है, तो 16 और 2 18। पूछ रहा है कि बच्चे में सबसे ज़्यादा जीन किसके होते हैं? तो माँ के होते हैं। विच स्पीसी ईट देयर अर्थवर्म, केंचुए सबसे ज़्यादा मतलब, तो वो अपनी यही उसके खा जाते हैं। फुगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल पास्ड ऑन विच एक्ट? PMLA, मतलब जो पैसे लेके बैंक से उधार लेके भाग जाते हैं, जैसे नीरव मोदी, माल्या, ये सब भाग जाते हैं, तो इनको पकड़ने के लिए किस एक्ट के तहत कानून बनाया गया? PMLA एक्ट के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी के तहत कानून बनाया गया। विच कम्युनिटी, ये लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, ये हो सकता है कि आगे के एग्जाम में पूछा जाए। विच कम्युनिटी इज मैक्सिमम इन श्रीलंका? बुद्ध, भगवान बुद्ध के अनुयायी श्रीलंका में सबसे ज़्यादा है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक।